सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक और स्टॉक के बारे में बताने वाले जो कि एक बहुत अच्छे करेक्शन में मौजूद है और यहां से अभी और अच्छा करेक्शन आ सकता है, वहां पे भी आप इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर में डील करने वाली कंपनी है गुजरात गैस, जो इंडस्ट्रीज ज्यादातर जो गैस सप्लाई करते हैं सीएनजी पीएनजी, वो इंडस्ट्री लेवल गैस सप्लाई करते हैं गुजरात के अंदर। तो ये एक कंपनी है जो कि अपना अच्छा खासा ऑल टाइम हाई, अगर मैं बात करूँ ऑल टाइम हाई से नीचे करेक्ट कर दिया। इसका अगर ऑल टाइम हाई अगर मैं बताऊं तो एक्यूरेट कुछ 780 के आसपास आता है। अभी फिलहाल स्टॉक चल रहा है 449 का। अभी यहां पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जरूर आपको पता होना चाहिए यहां पे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आपको कैंडल चार्ट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक गैप अप ओपन देखने को मिलेगा। ये गैप अप अभी तक फिल नहीं हुआ, गैप ये फिल होने के लिए जरूर ये स्टॉक नीचे आएगा। और जिस तरीके का पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे और जिस तरीके की वॉल्यूम के साथ नीचे करेक्शन है, आप यहाँ देखिएगा जो वॉल्यूम्स है वो ज्यादा है, जिसके अकॉर्डिंग करेक्शन जो है थोड़ी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे एकदम प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ये 376 के लेवल पे यहाँ पे आने वाला है। 376 का लेवल जो है हमारे रैमको सिस्टम से निकाला गया है, जिसमें अगर मैं आपको सपोर्ट दिखाऊं तो ये यहाँ पे आपको एक सपोर्ट देखने को जरूर यहाँ पे मिलेगा नीचे की साइड। यहाँ पे बीच में किसी तरीके का कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है, जिसके कारण मेरे को यहाँ पे पूरा पूरा विश्वास है कि ये स्टॉक यहाँ से 2-3 दिन ऊपर की साइड ब्रेक बनाने के बाद वापस से नीचे आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सिमिलर इस तरीके का कुछ पैटर्न आपको दिखता हुआ नजर आएगा। आगे की जो है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ आपको बता दूँ सबसे पहले कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी अभी फिलहाल ऐड नहीं करना, क्योंकि ये गैप ओपन है, गैप के आसपास स्टॉक घूम रहा है तो जरूर कोशिश करेगा, ट्राई करेगा इस गैप को फिल करने का। और ट्राई करेगा तो आपको 376 के आसपास स्टॉक आता हुआ मिलेगा, वहां पे ऐड कीजिएगा। स्टॉक बहुत अच्छा है और अंडर वैल्यूड हो जाएगा अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो, एक अच्छा वैल्यू इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। और जो सीएनजी पीएनजी जो गैसेस है जो इंडस्ट्री में यूज होने वाली है कोल के बाद, तो यही गैसें यूज़ होने वाली है, इको फ्रेंडली गैसेज यूज़ होंगी इंडस्ट्री के अंदर भी, क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स कंपनियों को खरीदना पड़ता है जो कि ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा एज कम्पेयर टू उनको ये गैसेज यूज़ करने के। तो उनके पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है, इंडस्ट्री के पास भी नहीं है, अपने ह्यूमंस के पास भी नहीं है कि हम किसी ऐसे चीज़ को यूज़ करें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जिसका कोई ड्रॉबैक हो और जो इन्वायरमेंट को लगे। तो आपको कार्बन क्रेडिट्स में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है, तो सिंपल सी बात है आपको गैसेस लेने पड़ेंगे जो इको फ्रेंडली हो, जैसे सीएनजी पीएनजी या इंडस्ट्रियल सीएनजी गैसेस होती है। तो ये कंपनी सेम बिजनेस में है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी विजन के साथ आप इसे लेना चाहें तो जरूर अपनी स्टडी करके इसे स्टॉक को ले सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक है गुजरात के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, हालांकि सारी कंपनियां अच्छी नहीं रहती, लेकिन हाँ गुजरात की मैक्सिमम कंपनियां बैलेंस वाइज अच्छी होती है, क्योंकि वहां पे जो रीजनल उनके फाउंडर्स हैं उन्हें ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, जिसकी वजह से मैं आपको गुजरात गैस आज रेकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे वेट करना है नीचे आने का। स्टॉक नीचे आ रहा है कंटिन्यूस, यहाँ पे जरूर आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। आधा एक महीना लग सकता है 370 आसपास आने में, लेकिन हाँ वहाँ पे आएगा डेफिनेटली, वहाँ पे आप इसको जरूर ऐड करिएगा अपने अपने स्टॉक्स में। और इंडोप्रेस्ट गैस लिमिटेड भी अच्छे लेवल पे है, तो जरूर आप अगर इस स्टॉक को अभी लेना नहीं चाहते तो आप दूसरे स्टॉक को देख सकते हैं, जैसे कि इंडोप्रेस गैस लिमिटेड। तो जरूर आज की वीडियो यही थी, एक स्टॉक जो आपको लेना चाहिए गुजरात गैस, जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा, अपने वॉच लिस्ट में डालिए। आने वाली वीडियोस में हम और भी स्टॉक्स आते रहेंगे जिससे आप लोगों का पोर्टफोलियो अच्छा बन सके और वैल्यू पिक आप कर सके इस मार्केट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।